हे गाइज, मैं आज आपके लिए मशरूम का एक नया रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है मशरूम टिक्का। इसे हम दो मेथड में बनाएंगे, एक तवा में और एक ओवन में बनाएंगे। आप दोनों मेथड से कोई भी एक घर में जरूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कटोरी दही लेंगे, दो से चार ब्लैक पेपर क्रश करेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे, एक स्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक स्पून हल्दी पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, एक स्पून जीरा पाउडर और एक स्पून गरम मसाला पाउडर लेके अच्छे से इसे मिला देंगे। अभी देखिए ये अच्छे से मिल चुका है। अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट दो चम्मच लेंगे, एक आधी नींबू का रस लेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिला देंगे इसे। देखिए मशरूम तो कई तरह का आता है, लेकिन बटन मशरूम जो है मशरूम टिक्का के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मैं यहाँ बटन मशरूम 400 ग्राम लिया हूँ। इसको हम बनाए हुए बैटर के साथ ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे कुछ प्याज, कुछ टमाटो, कैप्सिकम जो कि क्यूब शेप में काटा हूँ उसे ऐड करके अच्छे से मिला दीजिए और मैरिनेशन होने के लिए 2 घंटा छोड़ दीजिए। 2 घंटे में मशरूम जितना मसाला एब्जॉर्ब करना था कर चुका है। अभी इसे स्क्रूवर में एक के बाद एक डाल देंगे। देखिए एक के बाद एक हम 6 स्क्रूवर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ओवन में 3 स्क्रूवर को बनाएंगे और बाकी 3 को तवा में बनाएंगे। 3 स्क्रूवर को ओवन के हाई रैक स्टैंड में रख देंगे। अभी ओवन में इसे 30 मिनट के लिए ग्रिल्ड होने देंगे, एक साइड 15 मिनट और दूसरे साइड 15 मिनट। यहाँ मैं ग्रिल मोड सिलेक्ट करके 30 मिनट का समय दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। पहले पैन को गर्म करेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल को चारों तरफ अच्छी तरह से मिला दीजिए और मशरूम टिक्का को ला के आराम से रख दीजिए। इसे हम लो मीडियम फ्लेम में 15 मिनट एक साइड और 15 मिनट दूसरा साइड पकाएंगे। चलिए ओवन की ओर। यहाँ 15 मिनट हो चुका है। इसको अभी पलट के दूसरा साइड हम ग्रिल करेंगे और इसमें बटर थोड़ा सा लगा देंगे। यहाँ देखिए तवा में भी 15 मिनट हो चुका है। अभी इसे भी पलट देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसमें और फिर नेक्स्ट 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा यहाँ 15 मिनट हो चुका है। इसे अभी सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए ताव में कितना अच्छा से बन के मशरूम टिक्का तैयार हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। इसे गरम गरम बटर नान के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए ओवन में देखते हैं कितना दूर गया। इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है और ये बनके भी तैयार हो चुका है। इसे भी अभी तुरंत सर्विंग प्लेट में फटाफट निकाल देते हैं। ये भी बहुत सुंदर दिखने में लग रहा है और बहुत टेस्टी भी लगेगा। अगर वीडियो को आप एंड तक देख लिए, यहाँ तक देख लिए, तो रेसिपी जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर नया है आप ये चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में ये भी बताइए ये दोनों मेथड से कौन सा रेसिपी आप घर पे बनाने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा।